स्वर्गीय इंदिरा गांधी रुग्णालय के समक्ष किया गया धरना आंदोलन। विशेष तौर पर आपको बता दें कि आईपीएच के नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है स्वर्गीय इंदिरा गांधी रुग्णालय में, जिसको लेकर आईजीएम हॉस्पिटल सुधार कृति समिति द्वारा एक आंदोलन का आयोजन किया गया, जिसमें भारी संख्या में आप देख सकते हैं कि लोग वहाँ पर उपस्थित थे। ऐसे में हम आपको बता दें कि इस आंदोलन में बहुजन विकास अघाड़ी, भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष, बहुजन समाज पार्टी, पीपल्स रिपब्लिकन पार्टी, आदर्श सेवा संस्था, रिपब्लिकन सेना व कई पार्टी दल के लोगों ने इस आंदोलन को मजबूत करने का कार्य किया। हम आपको बता दें कि स्वर्गीय इंदिरा गांधी रुग्णालय में मरीजों के साथ में दुर्व्यवहार किया जाता है, साथ ही साथ पूरी तरह से दवाइयाँ नहीं उपलब्ध की जाती है, जिसके कारण मरीजों को बाहर के अस्पताल जाना पड़ता है। इन सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए बहुजन विकास अघाड़ी के फहीम आजमी, भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष के विजय कांबले, बहुजन समाज पार्टी के साहिद अंसारी, पीपल्स रिपब्लिकन पार्टी के रहमतुल्ला अंसारी ने विशेष तौर पर के इंदिरा गांधी रुग्णालय के डॉक्टर अनिल थोराक को एक ज्ञापन दिया और पर चेतावनी दी कि स्वर्गीय इंदिरा गांधी रुग्णालय अगर अपनी सुधार को नहीं लाती है तो बहुत जल्द तीव्र आंदोलन किया जाएगा। देखिए इस खास रिपोर्ट को। काम तो चल रहा है, एक्सपांशन में सिविल हॉस्पिटल डेवलपमेंट का जितना जल्दी हो सकता है, हमारी सीनियर्स जो हमारे ऊपर सीनियर ऑफिसर्स है वो भी इसके बारे में ज़्यादा मेहनत ले रहे हैं, और जितनी जल्दी हो सकता है आरोग्य मंत्री महोदय ने भी ये आश्वासन दिया है कि जितनी जल्दी हो सकता है ये निधि देकर इसको एक्सपांशन करके जल्दी से जल्दी सिविल हॉस्पिटल हो जाए, इसकी कोशिश हम लोग कर रहे हैं पूरी ऊपर से लेकर नीचे तक। अभी मुख्य मुद्दा यह है कि ये जल्दी से जल्दी सिविल हॉस्पिटल हो जाए। सिविल हॉस्पिटल हो जाए तो मैन पावर बढ़ेगी, मैन पावर बढ़ेगी तो और सुविधाएं अच्छी हम लोग दे सकते हैं। मेन उनका उद्देश्य तो यही है, और बाकी है कि यहाँ पर उनको थोड़ा सा पेशेंट जो आते हैं कभी कभार हमारे डॉक्टर से या कर्मचारियों से कभी उनसे दुर्व्यवहार होता है, ऐसा उनका कहना है। अभी एक तो मार्चुरी हम लोगों ने चालू कर दी है, ऑपरेशन थिएटर चालू हो गया है जो कि नया ऑपरेशन थिएटर अपना बनाया हुआ है, सोनोग्राफी हम लोगों ने चालू कर दी, सीटी स्कैन मशीन भी अभी इंस्टॉल होने जा रही है 15-20 दिन में, आई थिंक इसके ज़्यादा से ज़्यादा वक्त नहीं लगना चाहिए कि 15-20 दिनों में सीटी स्कैन मशीन भी चालू हो सकती है। एक्चुअली हमने जब से ये आंदोलन की बात की है या कृति समिति बनाई है तो इंदिरा गांधी का जो प्रशासन है वो थोड़ा डरा हुआ है, और वो मान रहे हैं कि उनके अंदर जो गलतियां हैं वो मान रहे हैं वो, और उसके अंदर सुधार की बात भी आज हुई है। उसके अलावा अलग अलग सुविधा के अंदर उन्होंने कितना फंड आ रहा है हमको और किस ढंग से फंड आ रहा है उसकी जानकारी आज दी। हॉस्पिटल के अंदर भी वायरिंग का काम चल रहा है, कलरिंग का काम चल रहा है, और शौचालय का काम चल रहा है, जो टूटा फूटा था उसका काम चल रहा है, ये सब काम अभी चल रहे हैं, और जल्दी से जल्दी वो 200 बेड का सिविल हॉस्पिटल का जो दर्जे का जो हॉस्पिटल है वो शुरू करने का आज उन्होंने आश्वासन दिया है। उस आश्वासन पे हम रुकेंगे नहीं, ये आंदोलन हमारा चलते रहेगा। अभी ये धरने के बाद हम जनता के अंदर जाएंगे, जनता से हम अपील करेंगे, अपील करने के बाद में एक बड़ा मोर्चा कैसा हो उस ढंग से हम आगे। लड़ाई के सिवा, संघर्ष के सिवा दूसरा कोई रास्ता नहीं है, इसलिए हमने ये जो आईजीएम के खिलाफ में, प्रशासन के खिलाफ में हमने जो ये आंदोलन छेड़ा है, इस आंदोलन में शामिल हो ऐसे हम जनता से अपील कर रहे हैं। ये कांबले साहब की सोच थी कि ये पूरे जितने राजनीतिक दल है, जो बहुजन दल है और सेकुलर है, इनको एक करके भिवंडी के आईजीएम को सुधार समिति बनाने का जो इन्होंने काम किया है ये बहुत ही अच्छा है। हमारा मानना है कि ऐसे भिवंडी शहर की जो खस्ता हालत है उसमें एक आईजीएम सबसे बड़ा मुद्दा है, जो गरीबों से जुड़ा हुआ है, इलाज से जुड़ा हुआ है, ज़िंदगियों से जुड़ा हुआ है, और इसकी हालत का जिम्मेदार रूलिंग पार्टी के लोग हैं जिन्होंने ना प्राइवेट को हॉस्पिटल को फ़ायदा पहुंचाने के एक साजिश के तहत आईजीएम को खस्ता हाल करके रखा है, और हमने बेड़ा उठाया है कि इसको हम सुधार करके ही रहेंगे। इसके लिए हमने इस संगठन का नाम ही रखा है आईजीएम सुधार समिति, और हम आंदोलन के तहत जहाँ भी जाना पड़ेगा, हमको पार्लियामेंट ये मंत्रालय जाना पड़े, मुख्यमंत्री से मिलना पड़े, हम ये आंदोलन बढ़ चढ़ के और जिम्मेदारी के साथ निभाएंगे, शहर वालों को उनका हक अधिकार दिलाने का काम हम करेंगे। सुधार समिति का गठन किया है और एक धरना प्रदर्शन आज किया हम लोगों ने 29-8 का, और उसके बाद हम लोगों ने जा कर के उनको निवेदन दिया, तो लोगों ने ऐसा बोला है कि हम सुधार करेंगे, लेकिन अब इसके बाद हमारे जो गठन के लोग हैं 8-10 दिन के बाद फिर चेक करेंगे, 10-15 दिन में अगर वो सुधार कर देते हैं तो ठीक है, नहीं तो जैसा विजय कांबले साहब
और फहीम आजमी साहब जैसा भी बोलेंगे, हम इनके साथ में जब तक ये सुधार नहीं करते हैं, जब तक के हम ये आंदोलन मतलब साथ चलते रहेंगे, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। जैसे कि आज जो IGM हॉस्पिटल जो कीर्ति समाज बना हुआ है और एक अच्छे के लिए बना है, ताकि लोगों को इसकी सुविधा मिल सके, उसके लिए हम लोग यहाँ पर पहले मीटिंग लिया, फिर सुबह आंदोलन किया है। अब अगर इन्होंने अंदर तो बोला है कि ये काम चालू है, अब हम लोग फिर आगे एक बार देखेंगे, अगर नहीं हुआ होगा तो ये आंदोलन से भी बड़ा हम लोग मोर्चा। आज के लिए फिलहाल इतना ही, कल फिर मिलेंगे किसी नए खबर के साथ, तब तक के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, जनता की आवाज़ TV News, धन्यवाद।